केहन लागि रहल है? ठीक लागि रहल की? आब आगू की करबाक छै? आगू जेबै हां तऽ गाममे समाज के समझेबै हां कि कोरोना से जे दिक्कत है जी जी ठीक से अहाँ सब सुनि आलो जे केकरो दिक्कत नहीं होतै। अच्छा, मधुवापुर टीका लीजिए इनाम जीतिए योजना के तहत रविवार को सीएचसी में कार्यक्रम आयोजित कर निर्धारित समय अवधि में कोरोना के दोनों टीका लेने वाले 11 लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग व केयर इंडिया की ओर से सहरघाट की सावित्री देवी को बम्पर प्राइज के रूप में गैस चूल्हा व बैरबा के राजकिशोर महतो व शीला देवी, मिंती के सहजादी खातून, समरुल खातून, सहनाज खातून, नथुनी पासवान व रहनी खातून, रहीमा की शांति देवी, चंचला कुमारी व प्रियंका देवी को सांत्वना पुरस्कार के रूप में ब्रांडेड क्वालिटी का प्रेशर कुकर प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी ठाकुर ने कहा कि ये तीसरा लहर जो है ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्यादा तेजी से फैलता है और बच्चों में भी फैलता है, इसलिए इसमें आप सभी लोग। वहीं विशिष्ट अतिथि सीओ राम कुमार पासवान ने कहा कि आप लोग भी उसी तरह गांव में, समाज में, अपने रिश्तेदार में, पड़ोस को, सब लोग को बताइए कि टीका लीजिए, टीका से किसी तरह का बुराई नहीं है, फायदा ही फायदा होता है। जबकि पुरस्कार देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने कहा कि कोरोना को खत्म करना है तो सब लोगों को कोरोना का वैक्सीन लेना ही है, दूसरी खुराक हो या पहली खुराक हो, अगर पहली खुराक है तो उसको भी दिलवा देना है, दूसरी खुराक है तो उससे ताकि कोरोना से आगे का जो लहर आएगा उससे हम लोग। मौके पर चिकित्सक डॉक्टर मनोज अकेला, डॉक्टर संजय कुमार, बीसीएम धीरज कुमार, केयर इंडिया के बीएम रजत कुमार झा, सीवीसी सुरेंद्र ठाकुर, एलटी सुनील कुमार, प्रकाश झा, जीएनएम संजना कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।